हाय, वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे ही होंगे। तो हुआ ये कि मैं और भूपल अभी रिसेंटली कुछ दिन पहले गए थे जैन चावल वालों के यहाँ, और उस व्लॉग को देखने के बाद बहुत सारे फ्रेंड्स ने बोला कि हम भी चलेंगे। तो राशिद आ चुका है, मेरा कज़न, और राशिद के ऑफिस वाले भी आ रहे हैं आज। बहुत सारे लोग 4 बजे जैन चावल वाले के यहाँ जाएंगे। अभी सुबह के बज रहे हैं 4 के आसपास। मेरे सारे फ्रेंड्स अभी ढाबे पे वेट कर रहे हैं। अब चलते हैं वहाँ, ढाबे से सबको पिक करते हैं और निकलते हैं। तो अपनी बुलेट खड़ी है, स्टार्ट करते हैं गाड़ी को और निकलते हैं, और आपको रास्ते में दिखाएंगे। आज पहले इंडिया गेट पे भी शायद कुछ टाइम स्पेंड करेंगे। अब देखते हैं आज कौन कौन चलने वाले हैं और हम क्या क्या खाने वाले हैं। तो चलिए ब्लॉग की शुरुआत करते हैं। तो भाई लौंडे निकलने के लिए तैयार है, भूपी तैयार है, दैट्स आयुष। आप इससे आयुष से पहली बार मिलोगे, वो दूसरा आयुष है हमारा पुराने वाला, राहुल भाई और राशिद और भाई से मुलाकात हो रही है। चलो भाई टेक केयर, मिलते हैं, कनेक्ट करना। बाकी पीछे नैनो में नैनो खड़ी है पीछे नारायण भाई की, तो नारायण भाई भी चल रहे हैं। निज़ामुद्दीन पे उनका घर है, तो निज़ामुद्दीन पे वो अपनी गाड़ी खड़ी करेंगे और फिर आके हमारे साथ बैठ जाएंगे। तो गाइज निकलते हैं यार, मज़ा आएगा। 4 बाइक्स हो गई हैं और इत्तेफाक से एक SD रोडस्टर एंड 3 इनफील्ड्स हमारे पास इस टाइम निकलने के लिए। आयुष पहुंच चुके हैं निज़ामुद्दीन, हम खड़े हैं अभी पुलिस स्टेशन के पास, और नारायण भाई अपनी नैनो खड़ी करने गए हैं और वो आएंगे अपना हेलमेट लेके, तो वो राहुल के साथ पिलियन हो जाएंगे। तो हमेशा की तरह कहानी में फिर से आ गया है ट्विस्ट, मेरे फ्रेंड्स निकल गए हैं स्ट्रेट और अब मैं वेट कर रहा हूँ नारायण भाई का। नारायण भाई एक बार आ जाए तो नारायण भाई को अपनी स्कूटी लेके आ रहे हैं फिलहाल, तो ईजी हो जाएगा। बाकी सब लोग जैन पहुँच रहे हैं ऑलरेडी, हम लोग थोड़ा सा पीछे रह गए क्योंकि ऑब्वियसली हम दूसरे रूट से आ गए, ये लोग दूसरे रूट से चले गए। तो अब नारायण भाई का वेट कर लेते हैं, नारायण भाई आ जाए फिर हम भी निकलते हैं। तो नारायण भाई आ चुके हैं अपनी इलेक्ट्रिक चेतक लेके, बहुत अमेजिंग है यार, मुझे चेतक बहुत ज़्यादा पसंद है और स्पेशली ये इलेक्ट्रिक है। नारायण भाई बहुत दिनों बाद मिल रहे हैं, आपको ईद वाला व्लॉग याद होगा, नारायण भाई घर आए थे। तो आयुष रेडी निकले तो चलते हैं और आपको दिखाते हैं आगे का रास्ता। तो हम पहुंच चुके हैं जैन चावल वालों के यहाँ और अब थोड़ी सी उजाला है तो मिलवा देता हूँ सबसे। आयुष से मिले हो आप? हाय आयुष। राहुल भाई से आप मिल चुके हो, दैट इज़ अनदर आयुष। फिर भूपल से तो आप मिले ही हो, नारायण भाई द बिग गाय, द बिग गाय। और राशिद अभी नारायण भाई की स्कूटी चला के देख रहा है क्योंकि ऑब्वियसली बड़ा मज़ा आता है इलेक्ट्रिक चलाने में, ना पता नहीं चलता, ऐसा लगता है कि आप कारपेट पर उड़ रहे हो, अलादीन का कारपेट बन जाता है। और बड़ी प्यारी सी स्कूटी है यार, आई लव चेतक, ये आ रहा है लड़का। कैसा एक्सपीरियंस है भाई? हैं? डर लग रहा है ना? तो ये चल रहा है भाई, यहाँ पर सब खुशी मना रहे हैं आने की, और अभी दुकान नहीं खुली है तो आप देख सकते हो 5 बजने में अभी 20 मिनट है, तो शायद 20 मिनट के बाद ही शॉप खुलेगी, तो 20 मिनट वेट करना पड़ेगा। चल रहा है भाई, तुम क्या खा रहे हो भाई? मैं खा रहा हूँ राजमा राइस। राजमा राइस चल रहा है तुम्हारा? द टेस्ट इज एग्जैक्टली द सेम। ओके, नो स्पाइसेस, एक्स्ट्रा स्पाइसेस। सॉलिड सॉलिड है। राहुल भाई आप क्या खा रहे हो? छोले चावल। छोले चावल, क्या रिव्यू है भाई? पापड़ खा रहा हूं। अभी पापड़ खा रहे थे? बड़ा लेट में रिस्पॉन्स करते हो भाई। हाँ सही है,
बढ़िया है, मजा आया, गर्मा गर्म चले चलना मजे के लिए। चावल कैसे है कड़ी चावल? भाई मेरा ऑल टाइम फेवरेट है। मैं यहाँ मतलब ये 8 से 10 बार आ गया, मैं यही खाता हूँ। 8 से 10 बार आए वही खाता है। तो ऑल गुड, मज़ा आ रहा है। तो राजमा राइस आ चुका है, कड़ी चावल आ चुका है, छोले चावल आ चुके हैं, और ये हमारी टीम जो बिना रुके चल रही है। बाकी हमारे छोले भटूरे अभी आने वाले हैं, 15 मिनट लगेंगे भैया बोल रहे हैं, तो उसका वेट चल रहा है। तो बाकी सब चीज़ों में ना टेस्ट बढ़िया है, अगर आपको चाहिए तो एक्स्ट्रा चटनी पड़वा सकते हो, और इनका जो पापड़ है ना वो बहुत ज़बरदस्त है। तो मज़ा आ रहा है यार दोस्तों के साथ खाने में, मज़ा आ गया। देखते हो सुबह के 5 बजे जैसे ही काउंटर खुला है ना, यहाँ पर भीड़ आनी शुरू हो गई है, और कितने सारे लोग हैं जो ऑलरेडी आकर अपनी फैमिलीज के साथ या दोस्तों के साथ आके इन्जॉय कर रहे हैं। मैं भी अपने दोस्तों के साथ ही इन्जॉय कर रहा हूँ। बाकी अभी भी थोड़ा सा छोले भटूरे के लिए वेट करना पड़ेगा 10 से 15 मिनट, बट भूख इतनी ज़बरदस्त लग रही है सबको कि लौंडे हमारे रुक ही नहीं रहे हैं। फाइनली हमारी छोले भटूरे की प्लेट आ चुकी है भाई साहब, और ज़बरदस्त भूख लग रही है, किसी से रुका नहीं जा रहा। लौंडे मतलब ताबड़ तोड़ लगे हुए से कह रहे हैं ना, भाई साहब रुक रुक के खाओ थोड़ा। भाई साहब लौंडे हैं ठंडे हो जाएंगे, गर्मा गर्म खाने तुम्हें, शानदार। पेट तुम्हारा दोबारा भर गया, बहुत ज़बरदस्त। तो ऑलमोस्ट ब्रेकफास्ट कंप्लीट हो चुका है, राजमा चावल, छोले चावल, और जिसे कहते हैं छोले भटूरे, छोले कुलचे, पता नहीं क्या क्या खा लिया हमने सुबह सुबह। ना बनाएंगे तो इधर जाके ब्लॉग बनाएंगे यार, तुम्हारा तुम नहीं आओगे ना फिर उस ब्लॉग में। तो अभी बस चाय बची है, तो चाय का वेट है। भाई कूपन लेके जाओ, चाय ऑर्डर करो यार, हाँ जल्दी से, और फिर गाड़ी के पास खड़े होंगे क्योंकि हमारे हेलमेट्स वहीं रखे हैं। थोड़ा सा चलते हैं बाइकों के पास, से पहले कोई हेलमेट लेके निकल ले। वाली चाय भी आ चुकी है। हाँ भाई चाय का टेस्ट कैसा है भाई? चाय अच्छा है भाई? लोग चाय बढ़िया लगी, औसम चाय है। अबे छोले भटूरे का अभी तक मजा आ रहा है, आफ्टर इफेक्ट ना है, चाय भी अच्छी है। तो हम चाय पी लेते हैं और मिलते हैं आपसे थोड़ी देर में। जैन वालों के यहाँ हाल देखो, सुबह है और भीड़ देख सकते हो, मतलब 5 बजे दिल्ली में इतने सारे लोग ब्रेकफास्ट के लिए आए हैं, और अब हम सुकून से यहाँ चाय पी रहे हैं। चाय पियेंगे, हमारी बाइक पार्क्ड है, और फिर निकला जाएगा घर के लिए। अभी बाइक चेंज हो गई है, मैं रोडस्टर लेके जा रहा हूँ भूपी की, क्योंकि मुझे सर्विस करानी है। भूपी मेरी बुलेट लेके जा रहा है, मैं राशिद और आयुष और भूपी जा रहे हैं, राहुल और आयुष जा रहे हैं, नारायण भाई हमारे साथ जाएंगे निज़ामुद्दीन तक, और फिर हम वहाँ से चेंज हो जाएंगे। तो निकलते हैं यार अब, क्योंकि ज़बरदस्त वाला नाश्ता किया हम लोगों ने। भाई लोग मज़ा आया, बहुत खुश हैं भाई लौंडे हमारे, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। जैन चावल वालों की शॉप सुबह खुलती है एग्जैक्ट 5 बजे, यानी अगर 4:30 बजे के आसपास या 4 बजे आप गए हो तो आपको वेट करना पड़ेगा, 5 बजे से पहले वो काउंटर नहीं खोलते। तो 5 बजे ही कूपन मिलेगा आपको। दूसरी चीज़, कैश लेके जाइएगा, क्योंकि गूगल पे वगैरह वो एक्सेप्ट नहीं करते, वो बोलते हैं कि पे कीजिए कैश के थ्रू। बाकी बहुत बढ़िया जगह है सुबह सुबह ब्रेकफास्ट करने के लिए, क्योंकि आपको बहुत सारी वैरायटी मिल जाती है। आपको छोले चावल खाने हैं, आपको कढ़ी चावल खाने हैं, सब कुछ अवेलेबल है, छोले भटूरे अवेलेबल है। तो गाइस इस वीडियो को करते हैं यहीं पे एंड। बाकी आई जस्ट होप कि हमारा ये व्लॉग आपको अच्छा लगा होगा, मेरे और मेरे फ्रेंड्स के साथ घूमने में आपको मज़ा आया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, और चैनल को कीजिएगा सब्सक्राइब, क्योंकि हमारे रेगुलर वीडियोस और अपडेट्स आपको मिलते रहे। बाकी मिलते हैं ऐसे ही किसी व्लॉग में, तब तक के लिए मेरे एंड से सायोनारा।